सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आपके पास विंडोज 10 में जो है हेडफोन और स्पीकर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व करना है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज 10 में जो है यहाँ पर जो स्पीकर की सेटिंग है, यहाँ पर इसको जो है आपको राइट क्लिक कर ओपन साउंड सेटिंग के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ योर आउटपुट डिवाइस, इसको जो है आपको यहाँ पर स्पीकर हेडफोन जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर से मास्टर वॉल्यूम जो है आप यहाँ पर से ईजिली जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर से आप जो है इसको 100% भी रख सकते हैं या फिर कम परसेंट में भी आप जो है इसको रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सिंपल साउंड कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ये जो स्पीकर हेडफोन है आपको जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है दोस्तों यहाँ पर से स्पीकर और हेडफोन की वॉल्यूम जो है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इजीली। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है डिवाइस मैनेजर को जो है ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ये जो ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट्स दिख रहा है, यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद ये जो स्पीकर हेडफोन है इसको जो है आप यहाँ पर राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए, तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।